ये देखिए दोस्तों, सपाटी का एक और अभ्यास जो कि कठिन, थोड़ा सा कठिन। एक सपाटी एक कुलाटी। जय दोस्तों, जय महाकाल। स्वागत है आपका पहलवानी वर्सेस बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह। दोस्तों, आज की जो जीवन शैली अपनी है, यानी जो पोल्यूशन और जो गंदगी बाहर अपने को खाने में मिल रही, या वो फास्ट फूड हो गया, या बाहर का इडली दोसे, या जहाँ पर भी जो जो भी प्रांतों में अलग अलग किस्म का भोजन हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि दवाइयों से बना हुआ है, जो कि अपनी सेहत को और ख़राब कर रहा। देखिए दोस्तों, अपना चेहरा ही अपने जिस्म के संकेत देता है। जैसे कि कहीं पर भी पिंपल्स हो रहे अपने को, ऊपर के फोरहेड में पिंपल्स आ रहे तो आपकी बड़ी आंत के अंदर तकलीफ है। नीचे के फोरहेड्स में आपको, यानी नीचे के माथे में अगर आपको पिंपल्स फुलसियाँ हो रहे तो आपकी छोटी आंत के अंदर कुछ दिक्कत है। गालों के ऊपर आ रहा ऊपर के तो किडनी के अंदर दिक्कत है। ऐसे कई सारे संकेत हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। अपना चेहरा जितना साफ रहेगा उतना अपना जिस्म अच्छा रहेगा। चेहरे के साथ साथ अपनी पेट की भी सफाई अच्छे से होना। पेट की सफाई के तो कई सारे अभ्यास है, लेकिन जो क्षत्रिय प्राणायाम के अंदर दो अभ्यास में आपके लिए लेकर आया हूँ आज, जो आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देगा, और साथ ही साथ आपके लिए एक स्पेशल डाइट का मैं जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि एक बहुत स्पेशल जूस है। कई सारे लोगों को पता, कई सारे लोगों को नहीं पता। जो नहीं पता आज इसे जान लीजिए। ये जो आपको बाजार के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर जहर दिया जाता है, जो वॉशरूम तक साफ करने के लिए काम आता है, उसे अब कुछ बुद्धिजीवी एनर्जी ड्रिंक बल्कि पिए जा रहे, जैसे कि वो हो गया रेडबुल इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, आज के इस अभ्यास में शुरुआत करेंगे आज अपन पहले अभ्यास से, जो कि मैं पिछली वीडियो में भी डाला था, जिसका नाम है सपाटी, जो कि हड्डियों के भी मजबूत करता, साथ ही साथ ये आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्स करके, यानी जब आप इसका अभ्यास करेंगे आपके नसलों के साथ साथ आपका एक एक रेशा को ये फुला के उसके अंदर से गंदगी निकालते रहेंगे। इस अभ्यास को करने से पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लंगोट धारण करना जरूरी, उसके बाद में जिस्म के अंदर गर्मी वार्म अप अच्छे से कीजिए, उसके बाद ये अभ्यास की ओर बढ़िए। और कभी भी दोस्तों याद रखिए, जिस्म को तेल अच्छे से लगाना। तेल लगाने से अनेक फायदे मिलेंगे आपके जिस्म को, सर से लेकर पैर तक अच्छे से तेल लगाने के बाद ही इसका अभ्यास आप करना। और साथ ही साथ दोस्तों, मसल डेवलपमेंट के जो शौकीन है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा सा अभ्यास है। उसके बाद अपन जाएंगे समतोलामुखी के अभ्यास पे, जो कि आपके पेट की आंतों को और आपके लीवर को एकदम मजबूती प्रदान करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए दोस्तों, पहला अभ्यास सपाटी, जो आपके जिस्म के एक एक नसनाड़ी को सर से लेकर पैर तक एकदम डिटॉक्स करने में आपके लिए बहुत ही कारगर है। लंबी छलांग लगाते हुए सपाटी का अभ्यास। जिसकी जितनी क्षमता उतना ही इसे करिए। जैसे कि मैं कम से कम हमारे यहाँ के ब्रह्मचारियों को 500 मानने लगाता हूँ। इसको कई सारे मेरे पहलवान भाई 500 से ज़्यादा भी मारते, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार तक भी जाते। जिस्म के लिए बहुत ही अच्छा। इसके अंदर और थोड़ा इसको हार्ड करने के लिए इसका अभ्यास थोड़ा सा चेंज। ये देखिए दोस्तों, सपाटी का एक और अभ्यास जो कि कठिन, थोड़ा सा कठिन। एक सपाटी एक कुलाटी। आपके पीठ के मसल्स भी इससे रिलैक्स होंगे। कई सारे लोगों को समझेंगा कि ये तकलीफदायक है, ये आरामदायक भी है। कई सारे रोगों से इसमें आपको मुक्ति 100% मिलेंगी। जो युवा है और जो जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, वो इस अभ्यास को अपनाए अगर अपनी जीवन शैली में, तो उनकी हाइट तेज़ी से बढ़ेंगी। साथ ही साथ जो युवा है उनको, उनके हड्डियों के अंदर मजबूती, यानी उनकी हड्डियां जल्दी मोटी होंगी। और जैसे कि देख सकते हैं आप दोस्तों, ये हमारे ब्रह्मचारी की सांस एकदम फूले हुई, थका हुआ भी है ना, लेकिन जो इनका रिपकेज है किस तरह से काम कर रहा है, यानी जो इनके फेफड़े हैं एकदम एक धौकनी की तरह
यानी इनको भस्त्रिका, इसमें आराम से हो जा रहा। मुंह बंद करो, नाक से लेना श्वास कभी भी, और दबाए खींचो सांस। इसमें बिना कुछ मेहनत के, ज्यादा बिना मेहनत के आपके अंदर, आपके जिस्म के अंदर भस्त्रिका का प्राणायाम खुद ब खुद हो रहा। आइए बढ़ते अपने अगले अभ्यास के लिए। दोस्तों एक और अभ्यास वज्रभाती जो कि समतोलामुखी से की जाती है। ये आपकी आपकी जो आंखें रहती हैं, आंखों को एकदम डिटॉक्सिफाई कर देगा, डिटॉक्स कर देगा। छोटी आंख, बड़ी आंख और जो सिक्स पैक्स के इच्छुक हैं उनके लिए भी ये बहुत कारगर। जितनी भी गंदगी आपके जिस्म के अंदर है, जितनी भी गंदगी आपके जिस्म के अंदर है, अगर आपको कपालभाति से फायदा पहुंच रहा, तो दोस्तों कपालभाति का बाप है ये। करने के लिए आपको हिम्मत होना, इसके अंदर जज्बात होना, सबसे पहले आपके अंदर जज्बात होना। आलस का क्या करना, आप जितना आप इंसान आलसी रहेंगे उतना इसके अंदर रोगों का विकार बढ़ते जाएंगे। लगातार देखिए 10, 20, 30, 40, 50, ये शुरुआत में यानी पहले हफ्ते में अच्छे दिखते हैं। इसके बाद आप हजारों की संख्या में जाना, कुछ भी अभ्यास रहने दीजिए, उसको आप हजारों की संख्या में लेकर जाइए। वो कहावत तो सुनिएंगे दोस्तों कि ये पहला इतने हजार बैठक इतने हजार डन मारता था, वो पहला इतने हजार डन बैठक मारता था। वो कहावत नहीं है दोस्तों, वो हकीकत है। हमारे अखाड़े में आज भी दो दो हजार बैठक, दो दो हजार डन मारने वाले ब्रह्मचारी मौजूद है। तो हिम्मत से आप अपनाइए इसे अपनी जीवन शैली में। और साथ ही साथ दोस्तों आइए बढ़ते हैं स्पेशल डाइट की ओर। दोस्तों ये जूस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही कारगर यानी बहुत से हद से ज्यादा कारगर है, जो कि है कद्दू फेटे का जूस। इसको अगर आप सुबह सुबह नहार पेट ले रहे, अपनी जीवन शैली में सुबह सुबह नहार पेट अगर इसको अपना रहे, तो जैसे एक चुंबक हिस्सा है लोहे को, सेम उसी प्रकार आपके जिस्म में जो सालों से पड़ी हुई गंदगी है, जो गलत खाने का सेवन, चाहे जानबूझकर हो या चाहे अनजाने में हो, या जो छोटे बच्चे बाहर चॉकलेट्स खाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, मायोनीस, जहर, एक मायोनीस का स्पेशली नाम लूंगा मैं, जो कि अंडे और तेल से बनाया जाता है, वो तो सीधा सीधा जहर है, सीधा सीधा जाके आपके हार्ट पे मारेगा। सिर्फ शराब ही एक विषैला पदार्थ नहीं है दोस्तों, कई सारे धोखेबाज कई सारी तरक्की कर लिए पैसा कमाने के लिए, गंदे गंदे तेलों का उपयोग, गंदी गंदी चीज़ों का उपयोग। तो आपके लाइफ में, आपके लाइफस्टाइल में कम से कम आप सुबह सुबह नहार पेट ये जूस का सेवन कीजिए। और ये जूस का सेवन इस्तेमाल करने के कम से कम दो घंटे के बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। थोड़ा सर्द मौसम यानी बरसात का मौसम और आने वाला जो है वो सर्दी का मौसम है, तो इसके अंदर थोड़ी सी गर्मी बढ़ाने के लिए और इसकी इस हल्की ठंडक को मानने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च डाल सकते, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते। महाफल की श्रेणी में आता है ये, कद्दू की प्रजाति से आता है ये। कद्दू से 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट है। इसका आकार एकदम राउंड रहता, इसका छिलका निकालना है आपको, इसके बीज हटाना है आपको। निकालने के बाद में इसको आप ग्राइंडर में डाल सकते हैं या जूसर में डाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर इसको फिल्टर करके भी पी सकते हैं या डायरेक्ट भी पी सकते हैं। फिल्टर करके पीजिए, कुछ लोग जो वृद्ध हैं और जो छोटे बच्चे हैं उसको फिल्टर करके पीजिए, जो युवा है वो इन्हें सीधे सीधे बिना फिल्टर के भी पी सकते हैं। ये पीने के बाद आप देखिए आपका चेहरे में कैसा आकर्षण आएगा, और एक ही हफ्ते में आपके जिस्म से गंदगी निकलना बंद हो जाएगी। जो सुबह सुबह बेड टी बोलकर बिट्टी के लिए परेशान रहते हैं या बेड कॉफी के लिए परेशान रहते हैं, उनका दिन की शुरुआत बहुत ही आलस से जाती। एनर्जी ड्रिंक बोलकर जो रेडबुल पीते या हेल्थ पीते और जो जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स है कैफीन के, उनका तो ये बाप है। दोस्तों हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी कमज़ोर नहीं रहना, हर कोई स्वस्थ सुरक्षित और मजबूत रहना। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।